पिछले 6 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा प्रदेश ने जिस तरीके से एक माहौल दिया, प्रदेश पिछले 6 वर्ष में कोई दंगा ना होना लोगों के लिए कल्पना हो सकती है, लेकिन यूपी के लिए वास्तविकता है। एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं अपराध के हरेक उसमें अगर आप देखेंगे तो पिछले 6 वर्ष के अंदर उसमें व्यापक रूप से कमी देखने को मिली है। यह दिखाता है सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण होना, और यह पहली बार हुआ है जब कोई सरकार चुनाव लड़ रही हो और चुनाव के दौरान मुद्दा कानून व्यवस्था हो। सरकार के लिए कानून व्यवस्था एक चैलेंज हुआ करता था, सरकारें उससे बिगड़ती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2022 में पहली बार ऐसा हुआ जब कानून व्यवस्था के मोर्चे पर सरकार ने सफलतापूर्वक फिर से एक मुद्दे ने पूरे चुनाव को आधार बनाकर के जीतने में सफलता प्राप्त की, वह था कानून व्यवस्था का मुद्दा। लोगों की जवान पर था, कहीं अब पश्चिम में जाइए, पूरब में जाइए, मध्य में जाइए, हर जगह लोग कहते थे, आधी आबादी तो कह रही थी, तब इसमें क्या बुराई है? सरकार को रिपीट होना चाहिए, क्योंकि आज हम सुरक्षित निकल सकते हैं, घूम सकते हैं, कोई हमारी सुरक्षा में सेंध नहीं लगा सकता, हमें एक विश्वास है और हम तो सरकार को फिर से वापस लेके आएंगे। परिवार में परिवार का पुरुष कुछ और सोच रहा होगा, लेकिन आधी आबादी ने तो कहा कि नहीं कुछ भी हो जाए लेकिन हम लोग सरकार को फिर से लेके आएंगे और 2/3 बहुमत से सरकार को बहुमत दे करके फिर से सरकार बनाने की योजना। मुझे याद है 2017 के पहले किसी गरीब कोई बीमार हो जाता था, उपचार की कोई व्यवस्था नहीं थी, ऐसा भगवान भरोसे थे। सरकारी हॉस्पिटलों की स्थिति हर व्यक्ति जानता था, मेडिकल कॉलेज की स्थिति हर व्यक्ति जानता था। मैं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश से आता था, इंसेफ्लाइटिस से पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1977 से लेकर के 2017 तक 50,000 बच्चों की मौत हुई थी। कोई पूछने के लिए नहीं जाता था, कोई पूछने के लिए नहीं जाता था, और ये जितने बच्चे थे जो असमय काल कल्पित होते थे, 1 से 15 वर्ष तक के बच्चे थे, और इनमें 90 से 95% बच्चे अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक समुदाय के हुआ करते थे, लेकिन कोई उनका हालचाल लेने नहीं चाहता था। पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में केवल एक मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट का था, बाकी उधर BHU था, इधर फिर लखनऊ था। आज गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज भी है तो एम्स भी है, बस्ती में मेडिकल कॉलेज संचालित हो चुका है, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है, देवरिया में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है, कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है, अयोध्या में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है, बहराइच में प्रारंभ हो चुका है, गोंडा में निर्माण की प्रक्रिया के साथ जुड़ चुका है, इस नए सत्र में वहां प्रवेश भी होंगे। बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है, आजमगढ़ में मेडिकल कॉलेज क्रियाशील है, बलिया और मऊ में मेडिकल कॉलेज निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है, गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज संचालित हो चुका है, चंदौली में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, सोनभद्र में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण और उसमें वह क्रियाशील हो चुका है, प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है, सुल्तानपुर में मेडिकल कॉलेज निर्माण की प्रक्रिया के अंतिम चरणों में चल रहा है। यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज कितने मेडिकल कॉलेज, यानी 75 जनपद हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ भी हम आगे बढ़ चुके हैं।